तो आप लोगों को मैं बता रहा था कि चैप्टर नंबर 4 में हमने रूल्स पढ़ ली हैं। अच्छा, हमने ये पढ़ लिया है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को किस तरह डिफरेंशिएट करना है। इसी तरह हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, इनको देख लिया है। अब जो आपके मेजर फंक्शन रह गए वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कि अगर आपके पास कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है तो आप उसको किस तरीके से डिफरेंशिएट करोगे। तो जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनको जरा आप कंसिडर करो। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर कि मैंने उनके एंगल को एफ ऑफ एक्स करके लिखवाया था क्योंकि उसमें कन्फ्यूजन होती है, तो इसी तरह मैं इनवर्स को भी यही करवाऊंगा। नॉर्मली अगर आप बुक्स में देखो तो साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लिखा हुआ होता है कि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 − x². अब मसला ये होता है कि जब स्टूडेंट समझते हैं कि यार अगर साइन इनवर्स 2x आ जाए तो अब वो ये समझते हैं कि जो यहाँ पे चीज़ होती है ना उसका स्क्वायर करना होता है, तो वो उसका डेरिवेटिव लिख देते हैं 1/√1 − 4x², बस स्क्वायर कर दिया। हालांकि एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है यार, होगी, मैं मोबाइल से रिकॉर्डिंग करता हूँ, चलो यहाँ पे भी ऑन कर देता हूँ। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप ये होता है कि जो ये चीज़ है ना इसका भी आपने डेरिवेटिव लेना होता है, ठीक है। तो इस नोटेशन में स्टूडेंट को समझ नहीं आता कि यार डेरिवेटिव लेना है नहीं लेना, वो समझते हैं बस यही फॉर्मूला है जो इधर लिखा हुआ है आपने उसका स्क्वायर करना होता है। तो दैट्स वाई इसमें भी मैं आपको फंक्शन करवा के बताऊंगा ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए बात, ठीक है। एफ ऑफ एक्स पूरा नहीं लिखवाता, एफ लिखवा देता हूँ खाली, बात समझ आ जाएगी आप लोगों को। तो साइन इनवर्स अगर एफ लिखा हुआ है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1/√1 − ये तो कॉमन है, कोई भी साइन इनवर्स का लिखा हो ये चीज़ तो आएगी अपनी जगह पे। फिर जो भी यहाँ पे लिखा होगा आप उसका स्क्वायर करोगे और न्यूमरेटर में आप उसको डिफरेंशिएट कर दोगे, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर आपके पास आ रहा है साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, इसका आपने डेरिवेटिव लेना है, तो आप क्या करो, सबसे पहले तो लिखो 1/√1 − ये तो कॉमन स्टेप है। जो भी यहाँ चीज़ लिखी हुई है ना उसका आपने स्क्वायर करना होता है, तो एक्स स्क्वायर का जब स्क्वायर करो तो एक्स फोर हो जाएगा, उसके बाद ऊपर उसका डेरिवेटिव लेना पड़ता है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो स्टूडेंट मिस कर देते हैं और फिर आंसर गलत हो जाता है, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आपके पास आ जाए साइन इनवर्स 2x और इसकी पावर लेट कर लो मैं क्यूब कह देता हूँ। अब देखो इनवर्स फंक्शन है और उसकी पावर भी होल मौजूद है। अच्छा, ये जहन में रखना है -1 पावर नहीं होती, मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में भी बताया था ये इनवर्स को शो करता है, तो किसी कोई इसको -1 को 3 से मल्टीप्लाई ना कर दे, वो सवाल गलत हो जाएगा। ये माइनस जो है यहाँ पे ये इनवर्स को शो कर रहा है, कोई पावर को शो नहीं कर रहा। तो अगर आप इस पूरे फंक्शन में देखो तो पावर क्यूब मौजूद है, तो आप पहले इनवर्स को भूल जाओ, सबसे पहले तो आप यहाँ पे पावर रूल लगाओगे, इनवर्स की कहानी बाद में आएगी, तो आप पावर रूल लगाओ, पावर पहले आ गए, फिर पावर में से 1 कम करो, 3 में से 1 कम करो 2 आ जाएगा। फिर पावर रूल क्या कहता है कि बेस का डेरिवेटिव लो, ये पूरी चीज बेस थी, ठीक है, इसका डेरिवेटिव लेना है। अब आप ये वाला रूल लगाओगे कि साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/√1 − जो भी यहां पे चीज मौजूद है स्क्वायर करो और ऊपर आप उसका डेरिवेटिव लोगे, 2x का डेरिवेटिव 2। तो ये कंप्लीट डेरिवेटिव है साइन इनवर्स 2x की पावर होल क्यूब, उसका ये कंप्लीट डेरिवेटिव हो जाएगा। तो क्या किया आपने, सबसे पहले पावर रूल लगाया, पावर रूल लगाने के बाद फिर जब आपने बेस का डेरिवेटिव लिया तो आपने ये रूल लगाया कि साइन इनवर्स का ये डेरिवेटिव है और फिर जो उसके बाद लिखा हुआ है उसका आपने डेरिवेटिव लिया, आपका आंसर आ गया। तो ज़्यादातर इस टाइप के सवाल आ जाते हैं कि जिसमें एंगल चेंज कर देंगे, एक्स के साथ भी आ जाता है, एक्स के साथ आपके बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर आ रहा होता है कि साइन इनवर्स का डेरिवेटिव पूछ लेंगे साइन इनवर्स एक्स का, लेकिन यूनिवर्सिटी में हल्की पुल्की चेंजिंग कर देते हैं वो इसके अंदर, या फिर इस तरह आ सकता है कि आपको पावर रूल लगाना पड़ेगा। और एक आखिरी तरीका भी बता देता हूँ, वो इस तरह आता है, लेट कर लो आपके पास आ रहा है साइन इनवर्स 3x। अब इस साइन इनवर्स 3x डिनोमिनेटर में वो चेक क्या करना चाहते हैं, वो ये चेक करना चाह रहे हैं स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट कैसा है। स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भाई -1 ये पावर है तो ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा, और ये बहुत बड़ी मिस्टेक है क्योंकि अगेन ये -1 पावर नहीं है, ये -1 इनवर्स को शो कर रहा है, आपने फंक्शन को ही चेंज कर दिया, ये इनवर्स था आपने इसको नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बना दिया, तो ये स्टेप टोटली गलत है। इसका प्रॉपर स्टेप क्या होगा कि नीचे साइन इनवर्स की पावर 1 है तो जब ऊपर जाएगा तो साइन इनवर्स की पावर
नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो जब कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिनोमिनेटर में मौजूद है तो आप इसको ऊपर ले जाना, इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। उसके बाद अब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, और किस तरह करोगे, पावर रूल लगाओगे, क्योंकि पावर मौजूद है ना यहाँ पे, तो पावर रूल लगाओ इसके ऊपर। माइनस वन पावर जो है वो पहले आ गई, माइनस वन से अगर वन कम करोगे तो माइनस टू हो जाएगा। तो ये आपने अभी क्या किया, आपने बस पावर रूल अप्लाई किया, पावर पहले आ गई, पावर में से वन कम किया, पावर रूल। उसके बाद पावर रूल क्या कहता है, बेस का डेरिवेटिव लो, बेस है यहां पे साइन इनवर्स, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होगा वन अपॉन स्क्वायर रूट वन माइनस, जो भी यहां पे फंक्शन लिखा हुआ उसका डेरिवेटिव उसका स्क्वायर करो, थ्री एक्स का स्क्वायर नाइन एक्स स्क्वायर, और ऊपर आप उसका डेरिवेटिव ले लो। थ्री एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, थ्री के बराबर होगा। ये एमसीक्यूज में स्टूडेंट की बहुत मिस्टेक होती है, वो ये डेरिवेटिव वाला स्टेप भूल जाते हैं, उनको बस वो ये वाला फॉर्मूला याद होता है क्योंकि बुक से याद किया होता है उन्होंने, वो इस फॉर्मूले में ये वाले स्टेप को भूल जाते हैं। तो इन चीज का खास ख्याल रखना है आप लोगों ने। तो ये तीन किस्म के सवाल आते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से जो मैंने अपनी जिंदगी में देखे हैं, और कोई वेरिएशन नहीं है, या तो इसमें चेंजिंग करेंगे या पावर रूल आ जाएगा या इसको डिनोमिनेटर में भेज देंगे, बस यही आ रहा होता है। यहां तक कोई सवाल है तो पूछ लो, इन तीन एग्जाम्पल्स को आप नोट कर लो, मैं मिटा दूंगा क्योंकि मुझे एक साथ सारे फॉर्मूले बताने हैं, तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने बताया था जो नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना उनमें ऑर्डर याद रखना। ऑर्डर क्या था, मैंने किस हिसाब से फॉर्मूले बताए थे, साइन कॉस टेंजेंट कॉट सेक कोसेक। यहां पे ऑर्डर बहुत फायदेमंद है, क्यों, क्योंकि जो साइन इनवर्स का है एग्जैक्ट कॉस इनवर्स का यही है। अगर मैं यहां पे आपको बताऊं कॉस इनवर्स का फॉर्मूला क्या होगा, तो कॉस इनवर्स एफ मतलब कॉस इनवर्स के बाद कुछ भी चीज लिखी हुई है, क्या डेरिवेटिव होगा, वन अपॉन स्क्वायर रूट वन माइनस एफ स्क्वायर डॉट एफ का डेरिवेटिव, एग्जैक्ट यही डेरिवेटिव है, बस माइनस का फर्क है। तो आपको नया याद रखने की कोई जरूरत ही नहीं है, आपने साइन इनवर्स का याद रखा, कॉस इनवर्स में उसको नेगेटिव कर देना। इसी तरह टेंजेंट इनवर्स का देखते हैं, अगेन टेंजेंट इनवर्स के बाद जो भी चीज आ रही है मैंने उसको एफ से लिख दिया, ठीक है। आप क्या करोगे, टेंजेंट इनवर्स की फॉर्म ये है वन अपॉन वन प्लस, कुछ भी लिखा हुआ हो ये फॉर्म कॉमन है, आप आंखें बंद करके वन अपॉन वन प्लस लिख दोगे। उसके बाद चेंजिंग आएगी, चेंजिंग क्या होगी, जो यहां पे मौजूद है फंक्शन उसका स्क्वायर करना, और न्यूमरेटर में आप उसका डेरिवेटिव ले लेना। जैसे एग्जांपल कंसीडर करते हैं इसकी, टेंजेंट इनवर्स ई की पावर एक्स। अभी जो एफ लिखवाने का मकसद क्या है, एफ लिखाने का मकसद है कि स्टूडेंट के जहन में क्लियर हो जाए, भाई यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आ सकता है, अल्जेब्रिक आ सकता है, एक्सपोनेंशियल आ सकता है, लॉगरिथमिक आ सकता है, कोई भी फंक्शन यहाँ पे आ सकता है। तो तभी मैंने यहाँ पे एफ लिखा हुआ है, क्योंकि स्टूडेंट ज्यादातर फेमिलियर होते हैं एक्स से, कि एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, उससे ज्यादा फेमिलियर होते हैं। जैसे ही ई की पावर एक्स आ गया, अब उनकी बत्ती गुम, पता नहीं क्या होगा इसका। तो कॉन्सेप्ट जो है ना वो आप लोगों को मैंने क्या बताया कि टेंजेंट इनवर्स के बाद कुछ भी लिखा हो तो घबराने की जरूरत ही नहीं है। इसका आंसर क्या होगा, वन अपॉन वन प्लस, अब जो भी टेंजेंट इनवर्स के बाद लिखा हुआ है उसका स्क्वायर कर दो, e की पावर x का स्क्वायर हो जाएगा e की पावर 2x, ठीक है। नीचे आपने क्या किया, स्क्वायर कर दिया, और ऊपर क्या करोगे, ऊपर आप उस चीज का डेरिवेटिव ले लोगे। e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x ही होता है, दैट्स इट, ये काम करना है आपने। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आएगा आपने कहीं ना कहीं ब्लंडर कर दोगे यहां पर, ठीक है। अच्छा, जो टेंजेंट इनवर्स का आपने याद रखा है कॉट इनवर्स का भी वही होगा, एग्जैक्ट यही है, कोई चेंजिंग नहीं है, बस नेगेटिव लगा दो। तो ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करने में काफ़ी आसानी होगी। फिर हम देखते हैं सेक इनवर्स का, सेक इनवर्स का सबसे मुश्किल होता है, उसके अंदर दो तीन चीज़ें आ रही होती हैं। सेक इनवर्स का होता है वन अपॉन, सबसे पहले जो फंक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है वो बाहर आएगा, फिर आप लिखोगे स्क्वायर रूट, जो फंक्शन है अंदर आप उसका स्क्वायर करो माइनस वन, और ऊपर आप उसका डेरिवेटिव ले लो। जैसे कोई एग्जांपल डिस्कस करते हैं, लेट कर लो आपके पास आ रहा है सेक इनवर्स एल एन एक्स, ठीक है। अच्छा, मैं एक और चीज बता दूं, स्टूडेंट की गलती होती है, कल मैंने आप लोगों को लॉग की प्रॉपर्टी बताई थी ये वाली,
तो मैंने बताया था ये बराबर होगा q को पहले ले आओ lnp। तो मैंने वर्डिंग में एक बात बोली थी कि अगर आपने किसी ऐसी चीज का लॉग लेना है जिसकी पावर मौजूद है, मतलब आप p का लॉग ले रहे थे जिसमें p की पावर मौजूद है, तो आप ये प्रॉपर्टी लगाते हो। स्टूडेंट इससे कंफ्यूज होते हैं कि कभी अगर ये चीज लिखी हुई है तो वो इस पे भी प्रॉपर्टी लगा देते हैं, इस पे प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि अब ये q जो है ये p की पावर नहीं है, ये q जो है ये पूरे लॉग की पावर है। तो जब पूरे लॉग की पावर मौजूद हो तो फिर ये प्रॉपर्टी नहीं होती। तो इस चीज का ध्यान देना, जिस चीज का लॉग निकाल रहे हो अगर उसकी पावर मौजूद है तब आप उसको पहले लाओगे, अगर पूरे लॉग की पावर है तो फिर पहले ला ही नहीं सकते आप, कोई प्रॉपर्टी नहीं है ऐसी। वैसे मेरे जहन में आ गया था क्योंकि मैं एग्जाम्पल देने लगा था, लेकिन चलो मुश्किल हो जाएगी, अभी इस तरह कर लो, यही काफ़ी है आपके लिए। तो सेग इनवर्स का डेरिवेटिव कैसे निकालोगे? फॉर्म क्या है? फॉर्म ये है 1/, बस यही फॉर्म है। उसके बाद आप फंक्शन पुट करो, f जाना फंक्शन, वो यहाँ पे क्या है ln x। उसके बाद स्क्वायर रूट के अंदर उस फंक्शन का स्क्वायर करो, ln x का स्क्वायर इस तरह भी लिख सकते हो, ज़्यादा इसकी अच्छी नोटेशन ये वाली है कि आप ब्रैकेट लगा के बाहर स्क्वायर लिख दो, तो ये हो जाएगा ln x का आपने स्क्वायर कर दिया, फिर आएगा -1 और फिर ऊपर क्या आएगा फंक्शन का डेरिवेटिव, फंक्शन है ln x, ln x का डेरिवेटिव होगा 1/x, ये पूरा इसका डेरिवेटिव है। तो अगर सिंप्लीफाई करना चाहोगे तो इस x को आप यहाँ पे लिख सकते हो, मतलब इसको इस तरह भी लिख सकते हो आप पूरे फंक्शन को कि x ln x स्क्वायर रूट ln x का स्क्वायर -1। सिंप्लीफाई करोगे तो इस तरह लिख दोगे। ये मैं मुश्किल एग्जाम्पल डिस्कस कर रहा हूँ, नॉर्मली आपको नज़र नहीं आती, लेकिन क्यों, इसमें कॉन्सेप्ट से खेल होता है। अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो फिर आपके लिए मुश्किल कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला पता है, यहाँ पे मैं f की जगह कोई भी फंक्शन दे दूँ, आपको बस डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए, कोई भी फंक्शन आ जाएगा आसानी से कर लोगे। अच्छा कोसेक इनवर्स का यार यही है पूरा, मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे, बस नेगेटिव लगा देना। अच्छा ये बात मुझे कल भी बतानी थी, मेरे जहन से निकल गई है, ये कोसेक की दोनों नोटेशन होती हैं, कोसेक को आप इस तरह भी लिखते हो और कोसेक की ये भी नोटेशन होती है CSC। जब मैंने एक दफ़ा ऑनलाइन क्विज बनाए थे, स्टूडेंट समझ रहे थे कि मैं कॉस लिखना चाह रहा हूँ, मैंने मिस प्रिंटिंग करके ये लिख दी है, ये कॉस नहीं कोसेक, इस तरह भी लिख सकते हो CSC। तो ये दोनों नोटेशन अगर आए तो इससे कन्फ्यूज़ नहीं होना कि क्या चीज़ दे दी है उन्होंने। बारह तो क्या इसका डेरिवेटिव होगा? वही लिखो जो पूरा सेक इनवर्स का है कि बाहर फंक्शन आएगा, फंक्शन का स्क्वायर -1, ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव, बस माइनस लगा दो। सर साइन एक्स, सर एक्स ln x को ln x की पावर x लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हो बिल्कुल, ln x की पावर नहीं, इस तरह कर सकते हो ln x की पावर x। दोनों मिल क्यों रहे हैं? अच्छा तो x की पावर x कर सकते हो, ln x की पावर x पे प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, आप इस तरह भी लिख सकते हो और आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो ln x, x ln x, दोनों तरीके ठीक है, और डिपेंड करता है एप्लीकेशन क्या है। सवाल के मुताबिक अगर इस चीज़ की डिमांड होगी मैं ये लिख दूंगा, अगर इस चीज़ की डिमांड होगी तो मैं ये लिख दूंगा, ठीक है। तो ये मैंने डिटेल से आप लोगों को बता दिया कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आपने किस तरह डिफरेंशिएट करना है। तो 4.2 के यही टॉपिक थे, हाँ दो और रह गए, नहीं एक रह गया और, वो मैं बता देता हूँ। यहाँ तक बात क्लियर है सबको? स्क्रीनशॉट ले लो इसका। यार कोसेक का वही है जो सेक का है, सेक इनवर्स का, बस माइनस लगा दो। मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी है साइन इनवर्स, टेंजेंट इनवर्स और सेक इनवर्स की। तो जो कॉस इनवर्स है या कॉट इनवर्स है या कोसेक इनवर्स है, उनकी एग्जांपल कोई डिफरेंस ही नहीं है, बस माइनस लगाना है आपने। ये ऐसा कोई बड़ा मसला तो नहीं है कि जो आप लोगों को इश्यू होगा, बस माइनस लगा देना खत्म। 4.1 में आपके पास बस रूल्स थे डेरिवेटिव के, पावर रूल, कोशेंट रूल, प्रोडक्ट रूल, वो हमने देख लिए थे। 4.2 में अगर आप देखो तो सबसे पहला सवाल जो है वो स्क्वायर रूट आ रहा था उसके अंदर, तो वो हम जरा देख लेते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट फंक्शन। अच्छा अगर कोई और रूट है ना तो फिर आप उसको इस तरह कंसिडर करोगे, मैं दोनों की एग्जाम्पल दे देता हूँ।
सबसे पहले जो स्क्वायर रूट फंक्शन है ना, उसकी एक ट्रिक होती है काफ़ी अच्छी सी, जो आप अपने एग्जाम में भी यूज़ कर सकते हो। वो ये होती है कि जब आपको किसी भी स्क्वायर रूट फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, एक स्क्वायर रूट फंक्शन है और उसके अंदर कुछ भी लिखा हुआ है, अब अगेन कुछ भी का मतलब कुछ भी, साइन फंक्शन हो, एल एन फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, अलजेब्रिक हो, इनवर्स हो, कोई मैटर नहीं करता, पर रूट के अंदर कुछ ना कुछ लिखा हुआ होगा और वो फंक्शन होना चाहिए, कोई कॉन्स्टेंट नहीं होना चाहिए, वरना डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, आप लिखना 1/2 जो भी स्क्वायर रूट फंक्शन है एज इट इज, कॉपी कर देना 1/2 स्क्वायर रूट फंक्शन जो भी मौजूद है एज इट इज कॉपी कर देना, और न्यूमिनेटर में इसका डेरिवेटिव ले लेना, जो स्क्वायर रूट के अंदर मौजूद है ना न्यूमिनेटर में आप उसका डेरिवेटिव ले लेना। तो 1/2 जो भी स्क्वायर रूट फंक्शन है कॉपी करना, और न्यूमिनेटर में आप जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है उसका डेरिवेटिव ले लेना। जैसे एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, आपके पास आ रहा है d/dx ऑफ x³ + x + 1, तो डेरिवेटिव क्या होगा, जो भी स्क्वायर रूट फंक्शन है एज इट इज कॉपी कर दो, और न्यूमरेटर में जो भी स्क्वायर रूट के अंदर है उसका डेरिवेटिव ले लो। x³ का डेरिवेटिव 3x², x का डेरिवेटिव 1, और 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाता है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट के अंदर ट्रिक होती है ये। ठीक है, नॉर्मली ये ट्रिक टीचर बताते नहीं है, वो इसका दूसरा हल बता देते हैं। वो कहते हैं कि जब स्क्वायर रूट फंक्शन है तो आप इस तरह लिख दो उसको, पावर 1/2, फिर इस पर पावर रूल लगा दो। तो जब आप इस पर पावर रूल लगाओगे ना, एक दो स्टेप आपके एक्स्ट्रा हो जाएंगे, कि पहले पावर नेगेटिव होगी फिर आप उसको नीचे लेके जाओगे, तो अगर उस तरह करना चाह रहे हो वो भी ठीक कर लो, लेकिन ये ईजी होता है और ये बोर्ड एग्जाम में भी आप कर सकते हो। जैसे 4.2 में आपको कितने सवाल मिलेंगे जिसमें स्क्वायर रूट आ रहा है, तो उसमें आप डायरेक्ट स्क्वायर रूट फंक्शन को इस तरह डिफरेंशिएट कर सकते हो, इसमें कोई मना नहीं है आपको। तो इसलिए मैं ये करवा देता हूँ ताकि स्टूडेंट को आसानी हो जाए। दूसरी बात, अगर कोई और आ रहा है, जैसे क्यूब रूट आ रहा है, फोर्थ रूट आ रहा है, फिफ्थ रूट आ रहा है, तब ट्रिक क्या होगी, तब ये ट्रिक होगी। जैसे अगर ये बुक का सवाल भी है आपका, मुझे एग्जैक्ट सवाल याद नहीं है लेकिन इसी टाइप का है, कि उन्होंने बोला था कि डेरिवेटिव निकालो 5, ये 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 में कोई पार्ट है इसका, लेट कर लो x² + x + 1, इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है, और छोटा सा 5 लिखा हुआ है। ये छोटा सा ऊपर 5 लिखा होता है, इसका मतलब ये फिफ्थ रूट है, मतलब इसकी पावर क्या है, इसकी पावर है 1/5, ये मतलब बनता है। तो इसका अगर आपने डेरिवेटिव निकालना है तो पावर रूल लगा दोगे आप। ठीक है, पावर रूल क्या कहता है, पावर रूल कहता है कि पावर 1/5 पहले आ गई, फिर पावर में से 1 कम करो। 1/5 - 1 क्या होगा, 5 को -1 से मल्टीप्लाई करो, -5, -5 + 1 -4, तो पावर से 1 कम करो तो -4/5 आ रहा है। फिर आप बेस का डेरिवेटिव लोगे, x² का डेरिवेटिव 2x और x का डेरिवेटिव 1। ठीक है, पर नेक्स्ट स्टेप अगर चाहो, MCQs पे डिपेंड करता है क्या लिखा हुआ है, तो ये नेगेटिव पावर इसको डिनोमिनेटर में ले जाना, पॉजिटिव हो जाएगी। तो अगर स्क्वायर रूट है तो आप ये लगाओ, कोई और रूट गिवन है, 3rd root, 5th root, 10th root, तो आप उस पर पावर रूट लगा दो बस। क्वेश्चन नंबर 2 जो है 4.2 का, वो ट्रिग्नोमेट्रिक है। क्वेश्चन नंबर 3 था लॉगरिथमिक, वो बता दिए। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सपोनेंशियल था, वो बता दिए। क्वेश्चन नंबर 5 में इनवर्स मौजूद थे, वो बता दिए। अब एक टेक्निक रह गई है, वो मैं सिखाता हूँ, उससे पहले मुझे बताओ कोई सवाल है यहाँ तक तो पूछ लो, और स्क्रीनशॉट भी ले लो इसका। अब कितने माशाल्लाह बच्चे हैं यहाँ पे, 9 बच्चे हैं। ज़रा सवाल का जवाब देना मुझे। एक रूल आपने लॉगरिथमिक के पढ़ लिए, हर रूल मैंने आपको बता दिया, जितने डेरिवेटिव के अंदर फंक्शंस होते हैं सबके मैंने बता दिए, अलजेब्रिक, लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, इनवर्स, सब हो गए। अब ज़रा सब नॉलेज को गैदर करके मुझे बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा। अच्छा, डेरिवेटिव इसका मुश्किल हो जाएगा,
तो बस मुझे बता देना कि सर हम करेंगे क्या इसके अंदर, क्योंकि टाइम लग जाएगा। सर मुझे बता देना करेंगे क्या। कोई और मुश्किल सा डाल देते हैं। ये मुश्किल से अब मुझे ज़रा कोई भी अगर मतलब आवाज़ ऑन करके बता सकते हो तो अच्छा, वरना चैट पे ही बता दो। मुझे बता दो कि इसमें सबसे पहले आप क्या लगाओगे, कोई रूल लगेगा इसके ऊपर? अच्छा, रूल लगने के बाद फिर आप क्या करोगे, क्या हल हो सकता है इसका? इन देर में कुछ और लिख लेता हूँ, आप लोग सोचो। सर पहले यू अपॉन वी लगाएंगे, उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे। तो एक ही बंदे का आंसर आया, मैं अज्यूम कर रहा हूँ बाकियों को नहीं पता, फिर एक ही आंसर देना चाह रहा है क्या? इस सवाल को बल्कि हम रहने देते हैं, ये सवाल YouTube पे भी जाएगा, तो जो YouTube वाली मेरी ऑडियंस है वो कमेंट करके मुझे जवाब दे देना, और आप लोग वैसे सर्च कर लेना इस सवाल को प्रॉपर। आप लोग ने अब आंसर देना, क्योंकि टाइम है ना आप लोगों के पास, तो जरा इस सवाल को सॉल्व करके, ये नीचे sec इनवर्स रूट भी लिखा हुआ है, तो सवाल को आप लोग प्रॉपर सॉल्व करके मुझे सेंड कर देना ग्रुप पे, और जो YouTube वाले बच्चे हैं वो नीचे कमेंट कर देना कि ये इसका आंसर आ रहा है, या अगर आंसर मुश्किल लग रहा है आपको तो एटलीस्ट ये बता देना स्टेप वाइज कि पहले कौन सा रूल लगेगा, फिर क्या लगेगा, फिर क्या लगेगा। तो ये आप लोगों का समझ लो DIY है, DIY का मतलब डू इट योरसेल्फ, जरा करके देखना फिर बताना मुझे। ये ट्रिक जो है ये 4.2 की ट्रिक है, 4.2 में क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 6 से ऑनवर्ड डिफरेंट टाइप के फंक्शंस आपको नजर आएंगे। वो ऐसे फंक्शन होंगे जिसमें बेस भी फंक्शन है, पावर भी फंक्शन, मतलब बेस भी वेरिएबल है। पार्ट नंबर 6 ये नजर आएगा आपको, x की पावर x, जिसमें बेस भी वेरिएबल है, पावर भी वेरिएबल है। तो यार देखो, अगर तो बेस वेरिएबल होती, पावर कॉन्स्टेंट होती, तो आप लगाते पावर रूल यहां पर। अगर बेस कांस्टेंट होती ही पावर वेरिएबल होती तो आप लगाते एक्सपोनेंशियल वाला रूल। अब इसमें ना कोई बेस कांस्टेंट है ना कोई पावर कांस्टेंट है, इसका मतलब दोनों रूल फेल हो गए यहां पे। तो ये वाली टेक्निक जो है ये आप किसी भी रूल किसी भी फॉर्मूले से नहीं कर सकते, तो इसके लिए आप एलन वाली टेक्निक लगाते हो। अब एलन वाली टेक्निक आपने क्वेश्चन में सॉल्व की होगी, वो इसको इस तरह करते थे कि इसको हम वाई के बराबर लेट करते हैं, फिर आप दोनों तरफ लॉग लेते हो, फिर लॉग की प्रॉपर्टी है कि जो पावर है वो पहले आ जाती है, ठीक है। अब आप इसको डिफरेंशिएट करते हो। अच्छा, जहन में रखना ये, चलो इस सवाल की बरकत से आपको बात समझ आ जाएगी कि एल एन वाई का लोग डेरिवेटिव लिख देते हैं 1/y, क्योंकि उन्होंने याद किया होता है कि एल एन एक्स का डेरिवेटिव 1/x होता है। तो ज़रा इस कॉन्सेप्ट को जहन में रखना कि मैंने बताया वह एल एन एक्स का डेरिवेटिव 1/x होता है, लेकिन ज़रा देख लेते हैं ना कैसे 1/x होता है। लॉग का मैंने रूल क्या बताया था कि लॉग के बाद अगर लॉग को आपने डिफरेंशिएट करना है, खास तौर पे जो ln वाला है, उसमें जो वर्ड ln है ना, दो लेटर्स ln, इसके बाद जो भी चीज़ लिखी हुई है उसको आप डिनोमिनेटर में शिफ्ट करते हो। उसके बाद मैंने बताया था कि उसका डेरिवेटिव ऊपर लेते हो, तो ln के बाद x लिखा हुआ है, मैं x को डिनोमिनेटर में लेके गया और ऊपर मैंने x का डेरिवेटिव मालूम कर लिया। तो सिंप्लीफाई करो तो वही बात है, आंसर 1/x आ रहा है। लेकिन ये जो मैंने यहाँ पे 1 लिखा है, ये 1 आया कैसे है? इसलिए कि x का डेरिवेटिव तो 1 होता है, लेकिन ये जुमला आधा है। हम अपनी आसानी के लिए बोल देते हैं x का डेरिवेटिव 1 है, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो हम ये लिखते हैं।
तो जो नीचे चीज लिखी होती है ना उसके रिस्पेक्ट से आप डिफरेंशिएट कर रहे हो। तो जब आप x को डिफरेंशिएट करोगे ये चीज आ रही होगी कि x को डिफरेंशिएट किया आपने विद रिस्पेक्ट टू x, तो dx और dx ये आपस में कैंसिल कर देंगे, होता नहीं है कैंसिल लेकिन कैंसिल कर देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। ये पूरा कॉन्सेप्ट है जिसके तहत ln x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x आ रहा है। लेकिन y के चक्कर में ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू आ जाएगा दरमियान में। आप ln y का डेरिवेटिव निकालो, क्या रूल बताया कि ln के बाद जो भी चीज आई हुई उसको डिनोमिनेटर में ले जाओ, ठीक है, y को डिनोमिनेटर में ले गए, फिर जो डिनोमिनेटर में उसका डेरिवेटिव लो। अब असल में डिनोमिनेटर में y लिखा हुआ है, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ये 1 के बराबर नहीं होता। तो ये वो स्टेप है जो स्टूडेंट भूल जाते हैं, वो 1 अपॉन y लिख देते हैं, dy अपॉन dx नहीं लिखते वो, ठीक है। अब इसका दोनों केसेस में बता देता हूं कि लेट कर लो आपके एग्जाम में आ जाए d अपॉन dy, नॉर्मली ये देते नहीं है आपके लेवल पे लेकिन दे भी सकते हैं, ठीक है, कि अब ln y का डेरिवेटिव लो विद रिस्पेक्ट टू y। तो अगर ये दोनों चीजें सेम हो जाए तो अब तो इसका सिंपल सा डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन y, ठीक है। लेकिन अगर ये दोनों डिफरेंट हो तो फिर एंड पे dy अपॉन dx वाली टर्म आ जाती है। तो ये वो स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है, मैंने डिटेल में आपको बताया कि क्या क्या सीन होता है, ये विद रिस्पेक्ट टू बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हम जल्दी जल्दी में चीज़ों को कवर कर रहे हैं इसलिए मैंने डिटेल में गया नहीं हूँ, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो स्टूडेंट के जहन में भी नहीं आती। तो अब जैसे ln y है, अब आप इस पूरे को डिफरेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो फिर ln y का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन y dy अपॉन dx। और यहाँ पे लगाओगे प्रोडक्ट रूल, इसको u मान लेना इसको v मान लेना, तो प्रोडक्ट रूल लगाओ। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि v को रखो साइड पे, x का डेरिवेटिव 1 प्लस, अब x को साइड पे रखो ln x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, फिर ये हो जाएगा ln x, x से x को कैंसिल करो 1, और यहाँ पे होगा 1 अपॉन y dy अपॉन dx। अब आपको ये डेरिवेटिव dy अपॉन dx की वैल्यू चाहिए होती है, तो dy अपॉन dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप y वाले को उधर जाके मल्टीप्लाई करवा दो, तो y दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आखिरी स्टेप क्या होगा कि सवाल में आप y की जगह पे पुट कर दोगे, y सवाल में किसके बराबर था, x की पावर x के बराबर था। तो ये पूरा लंबा वाला मेथड है जो आप लोग अपने क्वेश्चंस में सॉल्व करते हुए आ रहे हो। ये मेथड थोड़ा सा और भी मुश्किल हो जाता है कि जब x के अलावा कोई और फंक्शन मौजूद हो, साइन अपॉन कॉस लेट कर लो मौजूद है। तो इसकी मैंने ट्रिक बताई भी है, जो कि ट्रिक भी इतनी छोटी नहीं है लेकिन इस सवाल से तो बहुत छोटी है। ये पूरा याद करने से बेहतर है अगर आप ये ट्रिक याद कर लो तो कुछ ना कुछ फायदेमंद हो जाएगा आपके लिए। मुश्किल है मुझे पता है, लेकिन मर्जी, मैंने दूसरा हल भी बताया है तो आपकी मर्जी है, दोनों सॉल्यूशन दोनों आपके पास मेथड है सामने। इस देखो इसका आंसर ये आया ना, अब इसको नोट कर लो, अब हम इस ट्रिक से सॉल्व करेंगे, कॉपी करना चाह रहे हो तो कर लो। तो ये ट्रिक जो है ये आपको एक, हाँ बोलो, कर लो कॉपी, स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी क्यों कर रहे हो। अच्छा, ये ट्रिक जो है ये आपको एक स्टेप में आंसर दे देगी। जैसे आपका सवाल है यहाँ पे x की पावर x, ये सवाल था, तो जो नीचे वाला है वो क्या होता है, f होता है, और जो ऊपर वाला है उसको आप g लेट करते हो, तो डेरिवेटिव क्या होगा, सबसे पहले एज इट इज f अपॉन g, मतलब जो फंक्शन गिवन है एज इट इज कॉपी कर दो, फिर g अपॉन f, g भी यहाँ पे x है और f भी यहाँ पे x है, मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ f, f का डेरिवेटिव होता है 1, मतलब f यहाँ पे x है ना तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, फिर लिखो ln f, ln f मतलब ln x, और फिर g का डेरिवेटिव लो, g भी यहाँ पे x है तो उसका डेरिवेटिव भी 1 हो जाएगा। तो इन शॉर्ट आपके पास आ क्या जाएगा, अगर इसको सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा x की पावर x, इस x से वाला x कैंसिल तो ये पूरी चीज़ 1 हो जाएगी, और यहाँ पे ln x मौजूद होगा तो अगेन वही चीज़ आ जाएगी ln x प्लस 1। तो आप इतने ज़्यादा स्टेप से बच जाओगे अगर आप इस फॉर्मूले को याद कर लोगे, ठीक है। और मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, वो वाली एग्जांपल अगर आप नॉर्मल तरीके से करोगे तो थोड़ा और टाइम लग जाएगा, साइन x अपॉन कॉस x। अच्छा ये एग्जाम में नहीं कर सकते आप, इसको जहन में रखना, ये MCQ के लिए बता रहा हूँ बस।
तो नीचे वाला फंक्शन जो है वो f हो गया, ऊपर वाला फंक्शन g हो गया। तो सबसे पहले तो क्या करते हो आप इस ट्रिक में कि एज इट इज आप कॉपी करते हो, तो फंक्शन गिवन है साइन x की पावर cos x, एज इट इज आपने कॉपी कर दिया। फिर ट्रिक कहती है g अपॉन f, g है यहाँ पे cos, f है यहाँ पे साइन। फिर ट्रिक कहती है f का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव cos होता है। फिर है ln f, f यहाँ पे साइन है तो ये हो जाएगा ln साइन। और फिर है g का डेरिवेटिव, g यहाँ पे cos है, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है। तो एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा, बस सिंप्लीफाई कर लेना उसको। सिंप्लीफाई किस तरह कर सकते हो डिपेंड करता है MCQ यार किस तरीके से लिखा हुआ है उन्होंने। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो cos अपॉन साइन cot हो जाएगा, इस तरह कर दो। अच्छा ये माइनस साइन है ना, तो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस एल एन साइन एक्स और फिर साइन एक्स आ जाएगा। इस तरह भी कर सकते हो, ये इसका आंसर हो जाएगा।